चलो, ये कहता है एक स्ट्रिंग है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है, तो एवरेज किस पॉइंट से स्ट्रिंग टूटेगी। देखो ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है और ये 2020 में भी आया था, 2020 का जो नीट हुआ था उसमें भी ये आया था, ठीक है। अब एक स्ट्रिंग है वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है तो किस पॉइंट से टूटेगी। चलो, एक स्ट्रिंग है वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे एक बॉब है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो कहाँ से टूटने के चांस ज़्यादा है। स्ट्रिंग वहाँ से टूटेगी जहाँ पे टेंशन मैक्सिमम होगा। टेंशन हर पॉइंट पे अलग अलग होता है, वेरिएबल है, ये थीटा है। तो टेंशन जो होता है वो लोएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे जो होता है वो टेंशन मैक्सिमम होता है। क्यों मैक्सिमम होता है? क्योंकि यार यहाँ पे टेंशन टी ऊपर गया और एम जी नीचे गई, ठीक है। तो जो सेंटीपिटल फोर्स हुआ, तो टेंशन माइनस एम जी, दैट इज सेंटीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर आर। इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन जो आ जाएगा वो एम बी स्क्वायर आर और प्लस एम जी के इक्वल हो जाएगा, और ये मैक्सिमम टेंशन होता है। मिनिमम टेंशन कहाँ होता है? यहाँ पे टॉप पे, ठीक है। यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे देखो एम जी नीचे गई और टेंशन भी नीचे गया, तो टेंशन प्लस एम जी मिल के प्रोवाइड करेंगे सेंटीपिटल फोर्स एम बी डैश स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। तो टेंशन मिनिमम यहाँ पे आ जाएगा एम बी डैश स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी, ठीक है। और किसी एंगल पे थीटा का फंक्शन होता है, जो हम बहुत बेहतर तरीके से पढ़ के आ चुके हैं, मतलब बी ऑप्शन से, मतलब बी सही है इसका। यहाँ से स्ट्रिंग टूटने के चांस ज़्यादा हैं।